सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे पदार्थ की या एक ऐसा तरल की जो कि सॉलिड भी माना जाता है और वही लिक्विड भी माना जाता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है न्यूट्रोनियम फ्लूइड के बारे में। जी हाँ, न्यूट्रोनियम तरल पदार्थ जो एक हमारे पास है, या ऐसे अन्य पदार्थ भी हैं, बट यहाँ पे ये जो पदार्थ है ये सॉलिड भी माना जाता है और लिक्विड भी माना जाता है। किस तरीके से सॉलिड और लिक्विड इसकी प्रॉपर्टीज़ कंटेन करता है, सॉलिड की भी और लिक्विड की, वो हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिग शॉप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जैसे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और उसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बात करेंगे इस फ्लूड की, यानी कि अगर ये तरल मान लीजिए आपके पास न्यूट्रोनियम फ्लूड है, ठीक है। इसमें जब भी आप, ठीक है, एक लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी आप उसमें कोई चीज़ रखते हो तो वो उसे डूब जाती है वो चीज़, है ना, लिक्विड के अंदर। तो इस न्यूट्रोनियम फ्लूड के अंदर जब आप कोई ऐसी कोई भी चीज़ डालते हो जिसे आप बिना प्रेशर के डाल रहे हो, मतलब आप उसमें दबाव नहीं लगा रहे हो, आपने न्यूट्रोनियम फ्लूड के ऊपर कोई चीज़ वस्तु रख दी, तो उस समय क्या होगा, इसमें जो है लिक्विड की प्रॉपर्टी आ जाएगी और ये उस वस्तु को अपने अंदर डुबो देगा, ठीक है। वहीं पे अगर सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप उसके ऊपर कोई भी चीज़ रखते हो या दबाव से मारते हो तो उस पर कोई असर नहीं होता है, सिर्फ एक साउंड कंटेन करता है वो, है ना, साउंड को जनरेट करता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस न्यूट्रोनियम फ्लूइड पे कोई भी चीज़, ठीक है, तेज़ दबाव के साथ आप उसको दबाव डालते हो उस पर, तो यहाँ पे उसकी क्षमता क्या हो जाती, बढ़ जाती है। मतलब तेज़ दबाव अगर आप डालोगे तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी, और अगर आपका जो दबाव है वो लो है या प्रेशर आपका लो है तो उसकी क्षमता घट जाएगी। तो इस वजह से ये क्या है, सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रॉपर्टी को रखता है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।